आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की खतरनाक टीम तैयार। मुंबई का छठी बार ट्रॉफी जीतना पक्का है अब की बार। चेन्नई सुपर किंग्स से छीने धोनी के दो दो सुपरस्टार। आरसीबी के भी सबसे बड़े मैच विनर को किया शामिल। देखिए कैसी है आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में 5-5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने जमकर पैसा लुटाया और तूफानी खिलाड़ियों का स्क्वाड तैयार किया। खास बात यह रही कि पिछले 4 साल से खिताब ना जीत पाने वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने अब की बार चेन्नई सुपर किंग्स के दो दो सुपरस्टार खिलाड़ी चुराए, तो वहीं आरसीबी से उसका सबसे बड़ा मैच विनर भी छीन लिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब कैसा दिखता है आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस का पूरा स्क्वाड। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 से पहले 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। जाहिर तौर पर मुंबई ने अपने कोर खिलाड़ियों को तो ऑक्शन में नहीं जाने दिया और ये 5 खिलाड़ी थे जसप्रीत बुमराह, जिन्हें 18 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, जिन्हें 16 करोड़ 35 लाख रुपए में रिटेन किया गया था। हार्दिक पांड्या को भी 16 करोड़ 35 लाख रुपए में ही रिटेन किया गया था। रोहित शर्मा को मिले थे 16 करोड़ 30 लाख रुपए। इसके अलावा तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। मुंबई इंडियंस ने इन खिलाड़ियों पर खेला दांव। 5-5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस पहले से ही मजबूत दिख रही थी, लेकिन ऑक्शन में तो इस टीम ने कमाल ही कर दिया। मुंबई ने बुमराह के जोड़ीदार ट्रेंट बोल्ट के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च किए, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स से धोनी के लाडले दीपक चाहर को ही छीन लिया। मुंबई इंडियंस ने दीपक चाहर पर 9 करोड़ 25 लाख रुपए की ऊंची बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। मेगा ऑक्शन के बाद मुंबई इंडियंस की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। ट्रेंट बोल्ट को मुंबई इंडियंस ने 12 करोड़ रुपए में खरीदा, जो कि पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे। इसके साथ ही साथ दीपक चहर को मुंबई इंडियंस ने 9 करोड़ 25 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ लिया और ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दीपक चहर चेन्नई के लिए नई गेंद से गेंदबाजी करते थे और विकेट चटकाते थे। मुंबई का विकेट दीपक चहर को काफी रास आएगा। इसके अलावा मुंबई इंडियंस ने अल्लाह गजनफर को 4 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा। ये एक अफगानिस्तानी स्पिनर हैं और ये अपनी मिस्ट्री स्पिनर से बड़े बड़े बल्लेबाजों को पस्त कर देते हैं। इतना ही नहीं, मुंबई इंडियंस ने आरसीबी के मैच विनर विल जैक्स को भी 5 करोड़ 25 लाख रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ लिया। हम सभी जानते हैं कि पिछले सीजन में विल जैक्स ने आरसीबी के लिए दमदार पारियां खेली थी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ तो इन्होंने शानदार शतक भी डाला था। इसके अलावा मुंबई इंडियंस ने अपने पिछले बार के स्टार खिलाड़ी नमन धीर को आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए रोका। नमन धीर को मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ 25 लाख रुपए में अपने साथ रखा। मुंबई इंडियंस ने सस्ते में खरीदे ये खिलाड़ी। मुंबई इंडियंस की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार दीपक चहर को तो खरीदा ही, इसके अलावा चेन्नई को एक और बड़ा झटका मुंबई ने तब दिया जब उन्होंने मिचेल सैंटनर को सिर्फ 2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीकी ओपनर रायन रिकल्टन को 1 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने अपने साथ जोड़ा। पिछले सीजन में आरसीबी के लिए खेलने वाले रीस टॉपली को भी आरसीबी की टीम ने 75 लाख रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ा। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी लिजार्ड विलियम्स को भी 75 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने अपने साथ जोड़ा। इसके साथ ही साथ रॉबिन मिंस को 65 लाख रुपए में, करण शर्मा को 50 लाख रुपए में, अश्विनी कुमार को 30 लाख रुपए में, केएल श्रीजीत को भी 30 लाख रुपए में और ऑलराउंडर राज अंगद बावा को भी मुंबई इंडियंस की टीम ने 30 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा। मुंबई इंडियंस ने सत्यनारायण राजू को 30 लाख में, बेवन जैक्स को 30 लाख में, अर्जुन तेंदुलकर को 30 लाख में और विग्नेश पुथुर को 30 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम ने 25 में से 23 खिलाड़ी खरीद लिए हैं, जिसमें से 15 खिलाड़ी भारतीय हैं, जबकि 8 विदेशी खिलाड़ियों को स्क्वाड में जगह दी गई है। तो दोस्तों, ये है आईपीएल ऑक्शन के बाद मुंबई इंडियंस की टीम। तो आपको कैसी लगी आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। क्रिकेट की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए।